हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजकूत। गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए ऑनबोर्डिंग अपडेट है जो कि LTI माइंडट्री है हमारा और जो कि जेंसर है। तो इसकी बहुत बड़ी जो कि अपॉर्चुनिटीज़ अभी आई थी रिसेंटली जो प्रीवियस ईयर में, तो काफ़ी सारे स्टूडेंटों की ऑनबोर्डिंग अभी तक नहीं हुई है, तो ज्वाइनिंग फेजेज़ में होने वाली है। अपडेट है कि नहीं है, बिजनेस रिक्वायरमेंट की वजह से आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी। तो मैंने सोचा कि माइंडट्री और जो कि जेंसर के स्टूडेंट हैं, तो जितने भी कैंडिडेट थे उनकी ज्वाइनिंग हुई ऑनबोर्डिंग थी, तो मैंने सोचा वीडियो बनाऊं। तो गाइस, इससे पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूं। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन है विद डिटेल के साथ में। कंडीशन इसमें क्या है, बिजनेस रिक्वायरमेंट है, अपडेट है जो कि बहुत सारी कंपनियां हैं उनकी ऑनबोर्डिंग होने लगी हैं अभी रिसेंटली में, इस महीने में अप्रैल में जो फेजेस में ज्वाइनिंग होने लगी है। TCS हमारी जो कि हो गया, बेप्रो हो गया, काफ़ी सारी कंपनियां हैं। तो मैंने सोचा इसकी भी बता दूं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारे स्टूडेंट पैनिक हो रहे थे। तो सिचुएशन ये थी, माइंडट्री वी नीड टू अनबोर्डिंग द ज्वाइनिंग डेट, वी गॉट ऑफर लेटर सो मेनी मंथ बैक बट टिल डेट देयर इज नो अपडेट फ्रॉम कंपनी, प्लीज़ ट्रिगर द प्रॉब्लम, वी आर वेटिंग फॉर मेनी मंथ्स टू ज्वाइन द कंपनी बाय होल्डिंग द ऑफर लेटर। तो गाइस, ये हमारा है जो कि माइंडट्री के जो रिसेंटली में स्टूडेंट थे, जो अभी लास्ट 2-3 महीने पहले भी अपडेट आया था कि हमारी ऑनबोर्डिंग थी, उनके पास ऑफर लेटर आ चुके थे, ठीक है, बहुत महीने पहले। पर उसके बाद में कोई भी मेल कंपनी की तरफ से कोई भी मेल नहीं आया, कुछ भी मतलब रिगार्डिंग कुछ मेल नहीं आया कि उन्होंने अपडेट होने वाली है, प्रॉब्लम क्या होने वाली है, कि मतलब ऑफर लेटर के बाद में कुछ भी अपडेट आ जाता कि हमारा, हाँ, हम लोग इस महीने में ऑनबोर्डिंग करेंगे या फेजेस में मतलब करने वाले हैं, ठीक है। तो और उसके बाद में देखिए, ये जस्ट रिसेंटली में जेंसर का आया, आर पेशेंट इज हायरिंग प्रोसेस, वी आर एंग्जस्ट टू हैव ज्वाइन आर टीम, बी नो दैट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड ईयर इज बैचेस, वी इनिशिएट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ओवर, ठीक है, टच विथ यू प्लीज। तो ये सीधे कंपनी ने, जेंसर की कंपनी ने ये बोला है कि देखा जाए कि हमारी जो कि कंडीशन है, जो कि प्रोसेस है, ओवर हो चुकी हैं, जो बैचेस हैं वो बिजनेस रिक्वायरमेंट की वजह से जो कि हमारे हैं, अभी कंडीशन नहीं चल रही, तो इस वजह से हमारी जो भी बैचेस हैं तो वो ज्वाइनिंग नहीं हो पाएंगे। गाइस, तो जेंसर की तरफ से ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी जो कि कंडीशन है ऑनबोर्डिंग। गाइस, अगर ये उनको बोलना था तो पहले ही कंडीशन बता देते कि हम ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, नहीं हो पाएगी या फ्री चीज़ हो पाती है, ठीक है। देखो, आई गॉट माय ऑफर लेटर, ठीक है, जेंसर का, मोर देन ईयर, जेन 2022 इन अगस्ट, आई वाज इनफॉर्म दैट दे विल कंप्लीट ऑनबोर्डिंग बाय मार्च 2023, बट नाउ देयर इज नीदर गेटिंग अपडेट नॉट रिप्लाइंग योर मेल। कंडीशन ये है, देखिए, अभी रिसेंटली में एक HR का वीडियो वायरल हुआ था, वहाँ पर जेंसर का बोला गया था कि हम आपकी गारंटी नहीं ले सकते कि आपकी ऑनबोर्डिंग होगी या नहीं होगी, रिसेंटली में कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपडेट थी। और देखिए, रिसेंटली में एक ट्वीट भी आया हुआ है, काफ़ी सारे कंडीशन चली लिंक्डइन पर, बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि ऑफर लेटर उनके रिसीव हुए थे अगस्त में, पर मार्च तक बोला गया था कि उनको वेट करना है क्योंकि मार्च के बाद फेजेस में ज्वाइनिंग होगी, जो भी कंडीशन थी। अब उसके बाद कोई भी अपडेट नहीं आया, कोई भी रिप्लाई नहीं कर रही है जेंसर कंपनी, ठीक है। अब इसके बाद में करते हैं हम लोग बात करते हैं जेंसर की, मार्च ना, वी आर नॉट गिविंग एनी अपडेट रिगार्डिंग ऑनबोर्डिंग, ऑनबोर्डिंग की भी हुई, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस से बहुत ज़्यादा पेंडिंग चल रही है। और कंडीशन क्या बता रहे हैं कि बिजनेस रिक्वायरमेंट की वजह से कंपनी है हायरिंग बंद कर दी है, और जो कि ऑनबोर्डिंग होगी फर्दर इन्फॉर्मेशन है जो कि शेयर करेगी कंपनी हमारी उन तब तक। सारे देखिए, लिंक्डइन पर हो गया, ट्विटर पर हो गया, LTI माइंडट्री प्लीज ऑनबोर्ड, वी आर वेटिंग फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा का टाइमिंग हो चुका है कंपनी की, कि वो लोग ऑफर लेटर आ चुके थे, बहुत ज़्यादा हो गया था ज्वाइनिंग। तो कंडीशन ये है कि LTI माइंडट्री हो गया, वो जेंसर हो गया, जेंसर की तरफ से भी रिसेंटली में आया था, कोई भी अपडेट नहीं होने वाली है। तो माइंडट्री की भी अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। तो पर अगर देखा जाए, अप्रैल का सेशन आ चुका है, तो कुछ ना कुछ अपडेट आएगा रिसेंटली में, अभी देखना 10-15 दिन के अंदर माइंडट्री या जेंसर, जेंसर की अपडेट तो नहीं, पर माइंडट्री के रिसेंटली में आई। एक बंदे का भी ऑफर लेटर आया था, आई रिसीव ऑफर लेटर, LTI माइंडट्री रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम ऑनबोर्डेड यर टिल नाउ, नो कॉन्टैक्ट टू कनेक्ट। देखिए, कैंपस रिक्रूटर में भी ऑनबोर्डिंग के काफ़ी स्टूडेंट हैं, मेल कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हमारी ऑनबोर्डिंग अभी तक नहीं हुई, 1 साल हो चुका है, तो वहाँ पर भी रिप्लाई नहीं आ रहा। एटलीस्ट कंपनी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, माइंडट्री हो गई और हमारे जेंसर होगी, दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी थोड़ी सी भी अपडेट दे दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं हमारे, फ्रेशर हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा पैनिक कंडीशन चल रही है। तो गाइस, मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बताने आता हूँ कि जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही हैं उन पर अप्लाई करते रहिए गाइस, क्योंकि और भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ में अगर आप लोग वेट कर रहे हैं इसमें ऑनबोर्डिंग की न्यूज़ है, तो आप लोग वहाँ तक वेट करते रहिएगा। और मैं रिसेंटली आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग और भी अपॉर्चुनिटीज़ में अप्लाई करते हैं, जितनी भी आ रही हैं कंपनियाँ, बहुत सारी कंपनियाँ फ्रेशर के लिए अपॉर्चुनिटी निकाल रही हैं। अगर आपको ऑनबोर्डिंग के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है, मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा, कोई पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना मेरी चैनल को।